दुनिया का गंदा तरीन अदालती निज़ाम पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। सारी उम्र झूठ बोलने वाला वकील बाद में जज बन जाता है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की अदालतें चोरों, डाकुओं, करप्ट माफिया की महफूज पनाह गाहें हैं। अमीरों को छुट्टी वाले दिन भी जमानत दी जाती है, जबकि गरीब की 25 साल में भी सुनवाई नहीं होती। जो अदालती निज़ाम दो टके की कंजरी अयान अली को सजा न दे सके, उसने मोहब्बे वतन कारगिल के हीरो आर्मी चीफ को सजाए मौत सुना दी और साबित शुदा गद्दार नवाज गद्दार को बाइज्जत बरी कर दिया। बच्चों की गंदी फिल्में यूरोप को बेचने वाला रिहा, आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमताज कादरी को फांसी, आसिया मलूना रिहा, रेमंड डेविस रिहा, कर्नल जोसेफ रिहा, अयान अली रिहा, राव अनवार रिहा, मुस्तफा कांजो रिहा, सानिया बल्दिया टाउन का मुलजिम भोला रिहा, सानिया साहिवाल के मुजरिम रिहा, मॉडल टाउन में औरतों को गोलियां मारने वाले आजाद, मासूम बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले आजाद, नेब के पकड़े हुए सारे मुलजिम बाइज्जत बरी। क्या ये मुल्क सिर्फ ताकतवरों का है? अदालती निज़ाम देखकर लगता है कि कहीं आसमान से आग या पत्थर न बरसने लग जाएं। सब ने हलफ लिया है लेकिन तकरीबन सारे करप्ट हैं। पाकिस्तानी अदालतें अमीरों की कुतियां हैं। लख लानत ऐसे अदालती निज़ाम पर।